नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल का यूज़ करते हैं या फिर वी का यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको एक ज़बरदस्त सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ट्राई एंड डॉट का जो है आप कह सकते हो आदेश भी आ चुका है, तो पूरा अपडेट क्या है बताऊंगा इस वीडियो, तो जानने के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनके जितने भी यूज़र्स हैं, लाइक जियो का यूज़र हो या एयरटेल का यूज़र हो या वी का यूज़र हो, सभी यहाँ पर परेशान हैं स्पैम कॉल को लेकर। यहाँ पर उनको फ्रॉड कॉल, स्पैम कॉल बहुत आते हैं। मतलब डेली काम के कॉल तो कम, लेकिन हाँ, हर घंटे यहाँ पर एक कॉल जो है वो पता चल रहा है स्कैम वाला आ रहा है, जहाँ पर फ़ोन उठाते ही वो बोलती है कि आपका यहाँ पर फॉर्चूनर आपने जीत ली है, अपने प्राइस को क्लेम करने के लिए यहाँ आ जाइए, और आपको ये लोन मिल गया है, आपको ये फलाना ये धमाका, मतलब फालतू की कॉल्स आती रहती हैं और आपको जो भी आप कह सकते हो आपका टाइम है वो वेस्ट करती हैं। ऐसे में गवर्नमेंट बहुत दिनों से यहाँ पर इस प्रॉब्लम से छुटकारा यहाँ पर मतलब जो है वो सभी को दिलाना चाह रही थी, लेकिन वो यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जिसका नाम है CNAP। CNAP है बेसिकली कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है आप कह सकते हो, या तो ट्राई है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑर्डर के बाद में यहाँ पर एक नया जो है वो सर्विस लाने के लिए घोषणा कर दी गई है। मतलब कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन इस सर्विस का नाम होने वाला है। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें यह है कि जब भी आपको कोई कॉल करेगा, आपके फोन में जब भी कोई कॉल आएगा तो नंबर के साथ में उसका नाम भी जो है वो शो कर दिया जाएगा। बेसिकली जब भी कोई यूजर जब सिम खरीदता है तो आधार कार्ड वगैरह की फोटो देता है। ट्रू कॉलर में क्या होता है, ट्रू कॉलर में जो मतलब आप कह सकते हो क्लाउड बेस में जो डाटा होता है वो नाम वहां पर यूजर्स को शो होता है। मतलब जैसे कि मेरा नाम उज्ज्वल है, अब कई लोगों ने मेरा जो नंबर है वो उज्ज्वल नाम से सेव कर रखा है, तो जब भी कोई मैं किसी को फोन करूंगा तो उज्ज्वल दिखाएगा। मतलब क्लाउड डाटा को यहां पर जो है वो डिटेक्ट करके जो है वो नेम शो करता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, ट्रू कॉलर में अपना नाम चेंज भी कर देते हैं, कभी डॉन लिख देंगे तो कभी ये, कभी फलाना, कभी धमाका, तो समझ में नहीं आता यार कि ये फेक कॉल है कि ये मतलब रियल कॉल है। ठीक है, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो इजीली। लेकिन CNAP फीचर क्या करेगा, जो आधार कार्ड में सिम लेते वक्त जो है वो यूज़र ने नेम दिया होगा, लाइक मेरा नाम उज्ज्वल चतुर्वेदी है तो मेरे आधार कार्ड में वही है, तो अगर मेरा आधार कार्ड में जो भी मैंने मतलब सिम मतलब आप कह सकते हो निकलवाया है, तो जब भी मैं उस सिम से किसी को फ़ोन करूंगा तो मेरा जो आधार कार्ड में नंबर है वही वहां पर शो होगा। तो CNAP फीचर का मतलब यही है, जब भी किसी को आप फ़ोन करोगे तो मतलब वहां पर जो है वो आधार कार्ड में जो नाम लिखा होगा यूज़र का वो वहां पर शो कर जाएगा नंबर के साथ में स्क्रीन के ऊपर। तो ये फीचर यहां पर जो है वो आप कह सकते हो 15 जुलाई से बताया जा रहा है कि लागू कर दिया जाएगा, और इसकी यहां पर जो टेस्टिंग है वो शुरू कर दी गई है। पहले यहां पर ये ऐसे मतलब लाया नहीं गया था, जस्ट बताया जा रहा था कि CNAP फीचर यहां पर लाया जाएगा, लेकिन इसका जो स्टार्ट हो गया है, ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है कॉलर आईडी सर्विस का, ताकि हम स्पैम एंड स्कैम कॉल से बच सके। तो यहां पर ये मुंबई और हरियाणा के आप कह सकते हो सर्कल्स के अंदर कुछ लिमिटेड आप कह सकते हो जो टेस्टिंग के साथ में इसको जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, और यहां पर ये देखा जा रहा है कि कैसा ये परफॉर्म करता है। फिर बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह लागू कर दिया जाएगा। तो जियो का कहना ये है कि ऐसी सर्विसेज को जो है वो थोड़ा सा ऑप्शन रखना चाहिए, मतलब कंपलसरी नहीं कर देना चाहिए, इसके कारण यहां पर जो है वो कुछ टेक्निकल कंसर्न हो सकते हैं, जैसे इंक्रीज हो सकता है यहां पर लोड जो है वो सिग्नल्स के ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है वो पोटेंशियली अफेक्ट करेगा लेटेंसी को एंड इंटरकनेक्टिविटी को, मतलब जियो का कहना ये है। वहीं एयरटेल का भी कुछ यही कहना है कि यहाँ पर ये जो है वो मतलब टेक्नो कमर्शियल इशू से रिलेटेड ये हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करना, और यहाँ पर बताया जा रहा है वी का भी यही कहना है कि इसको एक ऑप्शनल सर्विस रखनी चाहिए, इसको एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हालांकि अब ऑर्डर तो यही है कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है वो 15 जुलाई से सभी यूजर्स के लिए जो है ये सर्विस को लाना मतलब ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये क्या CNAP फीचर जो है वो हमें स्कैम फ्रॉड कॉल से बचा पाएगा या नहीं, आपका क्या मानना है? मुझे तो ये अच्छा लगा फीचर, तो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।